नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सिर का प्याज और ढाबा स्टाइल लच्छा प्याज। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सिर का प्याज। इसके लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम के आसपास छोटे प्याज लिए हैं, छील कर इन्हें धो लिया है और कुछ देर के लिए सुखा लिया है। अभी इनके अंदर इस तरह से क्रॉस में कट लगाना है, जिस तरह से हम स्टफ्ड प्याज बनाते हैं ठीक उसी तरह से इसके अंदर कट लगाना है। पीछे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, इस तरह से इन्हें तैयार कर लेना है। पैन में ऐड करेंगे 1.5 कप पानी, 1.5 बड़ा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच चीनी। मिक्स करेंगे, चीनी को पिघलने तक बॉईल करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 4 लौंग, 7 से 8 साबुत काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और इसके अंदर ऐड करेंगे एक छोटे साइज की बीटरूट यानी कि चुकंदर। छील कर इसे इस तरह से पतले टुकड़ों में काट लिया था। अच्छा सा बॉईल आने देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे, जब तक कि बीटरूट का कलर हल्का ना हो जाए। ये देखिए बीटरूट का रंग हल्का हो गया है। इसे स्टेज पर फ्लेम करेंगे ऑफ और इसे होने देंगे पूरी तरह से ठंडा। पूरी तरह से ठंडा करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप सिरका। व्हाइट विनेगर यहाँ काम में लेना है। अच्छा सा मिक्स देंगे। तैयार प्याज को ट्रांसफर करेंगे ग्लास जार में। एक बार इसे बनाने के बाद 3 से 4 दिन तक आसानी से काम में ले सकते हैं। इसका फ्लेवर भी बना रहेगा और इसका कलर भी बना रहेगा। ऐड करेंगे 2 बड़े टुकड़े अदरक छिले हुए, 3 से 4 हरी मिर्च 2 भाग में कटी हुई और ऊपर से डालेंगे विनेगर मिक्सचर। कवर करेंगे और इसे रखेंगे ओवरनाइट फ्रिज में या बाहर। 1 से 2 दिन के अंदर ही इसका स्वाद पूरी तरह से निकल कर आता है। साबुत प्याज अगर पसंद नहीं है तो इस तरह से प्याज का लच्छा भी ले सकते हैं। ऐड करेंगे विनेगर मिक्सचर और इसे ओवरनाइट सोक होने देंगे। दांत पर रखने के बाद अब देखते हैं प्याज को। देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, ठीक उसी तरीके का जिस तरह से हमें रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है। और ये सिर का प्याज तैयार है। चलिए अब बनाते हैं ढाबे में मिलने वाला मसालेदार प्याज। 4 प्याज लिए हैं, छील कर इन्हें धो लेना है। बीच से कट करके जड़ वाला हिस्सा निकाल देना है। पतले और लंबे स्लाइसेस में इन्हें कट कर लेना है। गोल भी काट सकते हैं लेकिन यहाँ मैं इन्हें इस तरह से ही काट रही हूँ। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च बीच से स्लिट की हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच विनेगर ऐड करेंगे और अच्छा सा मिक्स देंगे। इसे बनाने के बाद तुरंत ही सर्व करेंगे। नमक ऐड करने के बाद प्याज पानी छोड़ता है, इसलिए इसको उसी समय तैयार करें जब खाने के लिए तैयार हो। सबसे आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे 1 नींबू का रस और एक बार फिर से अच्छा सा मिक्स देंगे। ये ढाबा स्टाइल मसालेदार लच्छा प्याज तैयार है। चलिए अब करते हैं इनकी प्लेटिंग। इस तरह से 3 अलग अलग तरीके से प्याज कट कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। गर्मियों में प्याज खाना काफी फायदेमंद रहता है, तो एक बार इस तरीके से इन्हें बनाकर देखें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। तो ये था आज का फ्लेवर। मिलते हैं फिर एक नए स्वाद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।